नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान ने खोल दिए आपके नए दरवाजे। दोस्तों, सिर्फ यह 6 बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा कि दोस्तों ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों जब सभी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हमें कुछ नज़र नहीं आने लगता है, अब लगता है कि हमारे जीवन के आगे के रास्ते ही नहीं हैं, हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, तो दोस्तों एक दरवाज़ा वश में ज़रूर खुलता है और वह है भगवान का दरवाज़ा। जी दोस्तों, और यश में भगवान ने आपके नए दरवाजे खोल दिए हैं, आपके सामने नई नई चीज़ें रख दिए हैं, बशर्ते अब आपकी ज़रूरत होती है किन का लाभ उठाने का। जी दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शनिदेव और शुक्रदेव ने आपकी कुंडली में लाभ के दरवाजे खोल दिए हैं, यानी कि दोस्तों ग्रहों की बहुत ही शुभ स्थिति आपके लिए बन चुकी है, जो कि दोस्तों आपके जीवन के लिए, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी है, बशर्ते दोस्तों अब आपकी ज़रूरत होती है कि इन सभी समयों का बहुत ही अच्छे तरीके से सदुपयोग में लाएँ। या दोस्तों, और इन सभी के लिए आपको 6 विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि दोस्तों आज के इसी वीडियो में हम आपको बहुत ही विस्तार से समझाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यह बातों को अगर आप समझ गए तो दोस्तों यकीन मानिए भगवान शनिदेव की कृपा तो आपके जीवनकाल पर रहेंगी, साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में ऐसी खुशियाँ मिलेंगी कि सब लोग देखते रहेंगे और सब लोग कहेंगे कि वाह क्या किस्मत भगवान ने दिया है तुम्हें। जी दोस्तों, और आपको बता दें कि दोस्तों आपके अच्छे कर्मों का फल यश में भगवान शनिदेव देने वाले हैं, जो आने वाले 10 दिनों का समय होगा। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन काल के सभी महत्वपूर्ण समय में शीघ्र समय साबित होंगे, यश में आपका भाग्य उदय का समय साबित होगा, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी कुंडली के बहुत सारे से दरवाजे खुल चुके हैं। जो ग्रहों की सुवियोग का निर्माण है उनसे दोस्तों बहुत सारे से दरवाजे खुल चुके हैं, जिनमें आपको लाभ भी मिलेंगे, मान सम्मान मिलेंगे, बहुत सारे क्षेत्रों में आपको प्रगति भी मिलने वाली है। तो दोस्तों ऐसे में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली है, कौन कौन सी बातों में आपको सावधान रहना होगा, कौन कौन सी बातों में आपको लाभ होगा, सभी जानकारियाँ बहुत ही गहरी तरीके से वो भी ग्रह गोचर पर निर्मित है। तो दोस्तों अंत तक देखना अब आपका दायित्व होगा। जी दोस्तों, हम बस दावा करते हैं कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो दोस्तों आपकी समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होगी। जी दोस्तों, तो दोस्तों बिना देर किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक प्रेम से कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही प्यारे ज्ञान से। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया है यही रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म साथ तेरे यही जाना है, रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं, मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो, इंसानियत दिल में होती है, हैसियत पे नहीं, ऊपर वाले कर्म देता है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपके दिल को छू गया हो, सच्चा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक प्रेम से कर दें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आपके कुंडली में जो ग्रहों की शुभ स्थिति बने हैं, जो भगवान शनिदेव ने नए नए दरवाजे खोल दिए हैं, तो दोस्तों इनमें आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, साथ ही कौन से 6 विशेष सावधानियां इसमें आपको रखने होंगे, सभी बातें बहुत ही विस्तृत तरीके से बात करेंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें दोस्तों सुन लेंगे तो दोस्तों भगवान शनिदेव आप सब प्रसन्न हो जाएंगे और जीवन काल में खुशियां लगातार पड़ती रहेंगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव कर्मों के दाता है। दोस्तों शनिदेव का नाम हर देव देवताओं में आता है। जो दोस्तों हिंदू धर्म में भगवान शनिदेव को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि दोस्तों भगवान शनिदेव जो है भले ही क्रूर देखते हैं लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते, अगर वह अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें फल जरूर देते हैं, थोड़ा सा देर लगता है लेकिन दोस्तों वह देर उनकी परीक्षा होती है, जो कि आपको भी परीक्षा का सामना करना पड़ा है पिछले समय, लेकिन दोस्तों अब समय आ चुका है जब भगवान शनिदेव आपके अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं और आपके भाग्य में, आपकी कुंडली में ये जो लाभ के दरवाजे खोलने वाले हैं, दोस्तों यकीन मानिए इनसे आपके अच्छे कर्मों के सारे फल आपको मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें आने वाले 10 दिनों के अंदर भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे अच्छे योग बनने वाले हैं,
जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत सारे बदलाव होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यशु में कलात्मक क्रियाकलापों में और रुचिपूर्ण कार्यों में सुखद दिन आपका व्यतीत होगा। फोन कॉल द्वारा आपको महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना बन रही है, जो कि दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही बेहतरीन और लाभदायक साबित होंगे। जी दोस्तों, क्योंकि यहीं से आपके लाभ के दरवाजे खुलेंगे। क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद है, तो आपके जीवन काल में कहीं से भी आपको नए दरवाजे खुल सकते हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 10 दिनों के अंदर भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से समय बहुत ही अनुकूल होगा। बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से भी आप राहत की सांस लेंगे और अपने व्यक्तिगत गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो दोस्तों यह समय उन पर गंभीरता से विचार करें। सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों ग्रहों में जो भी शुभ योग का निर्माण हुआ है सीधा आपकी राशि पर प्रभाव डाल रही है, जो कि दोस्तों आपके जीवन काल से जुड़े हैं और यश में सभी ग्रह स्थितियां भी आपके पक्ष में है। तो दोस्तों प्रभाव करना तो बहुत ही अनुकूल सी बात है। यह दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन काल में बहुत सारी बातों का ध्यान रखें। अपने पर्सनल कार्यों पर अधिक ध्यान दें, अपने बारे में ही सोचें और अपने लिए ही आप काम करें। कभी कभी दोस्तों थोड़ा स्वार्थी होना भी आपके लिए जरूरी होता है। अपनी प्रतिभा और योग्यताओं को निखारने के लिए यह समय बहुत ही उचित है। तो दोस्तों समय का आप सदुपयोग करें। भगवान शनिदेव आपसे बस यही कहते हैं, आने वाले 10 दिनों में ग्रह स्थिति आपके लिए आत्मविश्वास और आत्मबल को और प्रबल कर रही है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो शुभ योग का निर्माण है, दोस्तों शनिदेव के जो शुभ योग का निर्माण है बहुत ही आपके सूत्र को मजबूत करने वाले हैं। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक सुदृढ़ करें, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक साबित होंगे। कोई नई जानकारी भी आपको हासिल होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले 10 दिनों के अंदर घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह व आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों यश में भगवान शनिदेव का भी आशीर्वाद आपके जीवन काल पर होंगे। कुछ समय धार्मिक सामाजिक संबंधित गतिविधियों में भी व्यतीत करें, इनसे आत्मिक और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आपको बता दें कि दोस्तों कुछ समय काम छोड़कर आप भगवान शनिदेव के चरणों में अवश्य जाएं, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव कर्मों के दाता हैं। दोस्तों एक बात हमारा ध्यान में रखें कि अगर आपने पिछले समय अच्छे कर्म किए हैं तो दोस्तों उनका परिणाम आपको मिलना तो तय हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आप ऐसे कार्य करें ताकि शनिदेव की नजरों में आप बच सकते हैं, जैसे कि दोस्तों अपने से नीचे वर्ग के व्यक्तियों, असहाय लोगों जिन पर शनिदेव का प्रकोप काम कर रहा है, दोस्तों ऐसे लोगों पर आप अपने योगदान दें जिनसे भगवान शनिदेव की नजर आपके ऊपर होगी और दोस्तों भगवान शनिदेव कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में कृपा बरसाएंगे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अपने जीवन काल में आने वाले 10 दिनों के अंदर बहुत ही आप उत्तम समय प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आने वाले 10 दिनों के अंदर सकारात्मक दिनचर्या रहेगी, आपकी बहुत सी परेशानियां निकल जाएंगी, हल हो जाएंगी। किसी नजदीकी मित्र या फिर रिश्तेदार के साथ बने हुए खराब संबंधों में भी दोबारा मधुरता आएगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से ये सारे कार्य संभव होंगे। आप अपने आप को काफी हद तक तनाव मुक्त भी यश में महसूस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही सकारात्मक बदलाव यश में देखने को मिल रहा है। हम आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से यश में कोई भी निर्णय दिमाग से लें, वरना दोस्तों भावनाओं में बहकर नुकसान भी कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें, अचानक से ही कोई रखी हुई पेमेंट आने से या फिर जो भी पेमेंट आपकी फंसी है वो आने से कोई काम आपका बन सकता है और आप इनसे तनाव मुक्त भी महसूस करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से बहुत सारे लाभ के मौके मिलने वाले हैं। आर्थिक तंगियां आपके खत्म होने वाले हैं और भरपूर ऊर्जा और सकारात्मक महसूस इसमें आप करेंगे। बच्चे भी अपनी पढ़ाई के प्रति लगन से समर्पित रहेंगे। आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आने वाले समय में आने वाले 10 दिनों के अंदर ग्रह स्थितियां बहुत ही सकारात्मक बनी हुई है। बच्चों के करियर संबंधी शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। अगर स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों इनके लिए समय उचित होगा। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों भगवान शनिदेव आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको कुछ विशेष सावधानियां रखने को कहती है। 6 विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि दोस्तों समय धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करने का है, इसलिए दोस्तों किसी मित्र या फिर भाई के साथ संबंध खराब होने की आशंका लग रही है, इसका आप ध्यान रखें। जी दोस्तों, इसका नकारात्मक असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप इस बात पर सबसे ज्यादा गौर करें। जी दोस्तों, संतान पक्ष को लेकर मन में कुछ चिंता रहेगा, कुछ समय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जरूर निकालें। व्यर्थ की घूमने फिरने या फिर मौज मस्ती में अपना समय बर्बाद ना करें। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दोस्तों भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इतने महत्वपूर्ण पल आपको मिलेंगे,
तो दोस्तों इन्हें अगर आप बर्बाद करेंगे तो दोस्तों आने वाले समय में आपको बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। तो दोस्तों इसका आप भी ध्यान रखें। जी दोस्तों, इसके उपरांत भगवान शनिदेव की शुरुआत से आपके व्यवसाय के लिए समय बहुत ही अच्छे हैं। लाभ के नए नए मौके तो आपको खुलेंगे, साथ ही आपको हर जगह से सपोर्ट भी मिलेगा जिनमें आप नहीं भी सोचे थे। दोस्तों वहां से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। लव लाइफ के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से बस आप दूरी बनाकर रखें। साथी स्वास्थ्य के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कभी कभी आपके विचलित मनोस्थिति का नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, माइंड को फ्रेश रखने का प्रयास करें और आप अपने आप को हल्का महसूस करें। तो दोस्तों कभी उतना ना सोचें जिनसे आपका मनोबल बिगड़ जाए। ये दोस्तों क्योंकि भगवान शनिदेव कहते हैं कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता। हिम्मत वालों को इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जी दोस्तों, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अपने जीवन काल में बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इसी तरह जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।